Hi Rehan, this is Nikhil from Delhi. First of all, I would like to tell you that I really like your show because इसमें अपने दिल की कोई भी बात कर सकते हैं. लेकिन आज यार मैं अपने दिल की बात नहीं, अपने दिल की एक भड़ास निकालना चाहता हूँ. ये जो हम लोगों को इस मानसून सीजन में हम लोगों को जो रेंज से जो प्रॉब्लम हुई है, मैं डेली आंसर की बात करूँगा बिकॉज हम लोग डेली में रहते हैं. मैं डेली में रहता हूँ. सो ऑल्दो इट्स पैन इंडिया प्रॉब्लम, असम इज flooded, Madhya Pradesh is flooded, even some parts of Rajasthan have been flooded. But मैं डेली एन सी आर में रहता हूँ, सो आई हैव टू फेस यहाँ की प्रॉब्लम्स. तो पिछले 15-20 दिनों से, जब से ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. देर आर जैम्स एंड जैम्स एवरीवेयर. एंड परसों की बात है, जब हम लोग ने देखा, परसों तरसों की बात है कि जब गुड़गांव से आते हुए कई लोगों को जहाँ एक घंटा डेढ़ घंटा लगता है, वहाँ लोगों को 6 घंटे लगे घर आने में. आई मीन दिस इज़ बिज़ार. दिस इज़ 2016 और हम लोग मिलेनियम सिटी दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ टोटली रिडिकुलस. सो या माई सिंपल मैसेज इज़ बेसिकली फॉर यू नो द म्यूनसिपैलिटीज़ ऑफ दिल्ली एनसीआर, दिल्ली गवर्नमेंट एंड द हरियाणा गवर्नमेंट. एंड आई नो कि किसी एक का ब्लेम इज़ नॉट राइट, किसी एक पे ब्लेम डालना ठीक नहीं है. बट एट द सेम टाइम मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी सारी ग्रीवांसेस दूर करके, नो यू ऑल शुड वर्क इन कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे तो भले ही आप लोगों को स्क्रैच से शुरू करना पड़े, सो आप लोगों को इलीगल एंक्रोचमेंट चलानी पड़े, और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं, उन सबको भले आपको शुरू करके आपको पूरा सीवरेज सिस्टम भले ही यू नो स्क्रैच से शुरू करना पड़े, पर आप लोग करें. बिकॉज अगर आप लोग नहीं करेंगे तो और कोई नहीं कर सकता, बिकॉज यू गेट द पावर. बट प्लीज़ डू इट, बिकॉज दिल्ली के लोग, एनसीआर के लोग बहुत परेशान हैं, स्पेशली वो लोग जो लोग किसी इमरजेंसी में होते हैं, एम्बुलेंस में होते हैं. सो दे गो थ्रू अ लॉट. प्लीज़ माई रिक्वेस्ट कि आप लोग जल्द से जल्दी इसमें कुछ करें. थैंक यू.